हेलो फ्रेंड्स, आपका टेक्निकल नॉलेज चैनल में सभी का स्वागत है। जो आज मैच होने जा रहे हैं सोलह अमेरिका वर्सेस नीदरलैंड में, उसकी ड्रीम इलेवन टीम बनने जा रही है। इससे पहले जो मैच होने वाले उसकी भी बने आप देख सकते हैं। भाई दो कमेंट की वजह से मैंने आज जल्दी डाली। कोई बोला भाई तो अच्छा वीडियो बोलता है लेकिन कन्फर्म नहीं, इसलिए भाई लॉस होम हो जाते, तो कन्फर्म डाल। भाई कन्फर्म डालूंगा तो 22 प्लेयर में बाकी यूट्यूबर की तरह रट्टा मारूंगा, फिर आपको बताऊंगा। लेकिन मैं जो प्लेयर लेता हूँ टॉप परफॉर्मेंस के, तो भले उसमें तीन चार नहीं कर रहे तो जो सिर्फ चेंजेस करने थे भाई, लेकिन तो से ये भी नहीं होता हो पा रहा है। तो देख कन्फर्म टीम ड्रीम इलेवन टीम बात देता हूँ मैं। दूसरा बोला कि भाई तू ज़्यादा बातें करता है, कम बात मत कर। अरे भाई तेरे लिए तो बातें करो, तुम सबके लिए तो ग्रैंड लीग में सिर्फ जितना ही क्या 20,000-40,000 रैंक, 5 रुपये 4 रुपये जितना ही क्या, तो सिर्फ तुझे टॉप रैंक चाहिए ना, तो इसलिए मैं बातें करता हूँ भाई। टॉप सीक्रेट बताता है यानी ट्रिक्स बताता हूँ कि टॉप रैंक पाए, लेकिन किसी को उसकी पड़ी नहीं। फिर जाने दीजिए, फिर बातें वही होगी। नीदरलैंड की तरफ से देखिए जीपर क्लैसन है और जेरॉन जोट, इन दोनों में से अभी रेस चलिए तो आप सेफ जाइए। सिर्फ आपको ड्रीम इलेवन टीम चाहिए तो आप सेफ जाइए। मार्टिन दुब्रावका को लीजिए, डिफेंडर में आप बहुत ऑप्शन है, सेफ टीम बताता हूँ आपको। एके को लीजिए, जनमत को लीजिए खेलने वाली। आगे चलता हूँ भाई, मैं ट्रिक्स बता रहा था इतने दिन कि तू टॉप रैंक कैसे पता है, लेकिन भाई ज़्यादा बातें करूँगा तो प्रॉब्लम होता है। जर्गनो वेल्ज को लीजिए, मार्क हेमशिक को लीजिए, इतना कन्फर्म नहीं अभी बता। जो मैं प्लेयर कन्फर्म नहीं है वो पहले चेक, तो फिर बोलेगा कि तू इसने ये लिए ही क्यों। अरे भाई टॉप परफॉर्मेंस प्लेयर है रे भाई, अगर ये तू जो नया प्लेयर लेगा कितना है? एक या दो पॉइंट लेगा वो भाई, लेकिन ये अगर खेलता है तो 4-5 पॉइंट उससे भी ज़्यादा लेता है भाई। 2-4 प्लेयर का तेरा एवरेज निकलता है एक प्लेयर, तो उस हिसाब से भी लेना पड़ता है ना। तो बोलेगा कि क्यों इसका वीडियो देखा ही क्यों, ऐसा भी बोलेंगे ना। फिर प्रॉपर को लीजिए, सेफ ड्रीम टीम ड्रीम इलेवन टीम जाइए। रिस्की चाहिए तो बना देता हूँ, लेकिन किसी को वो चाहिए नहीं तो सेफ ड्रीम इलेवन टीम है भाई। अगर इसमें भी कोई नहीं खेलता तो मैं सीधा कमेंट में अभी बताता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15-20 मिनट लगे। मैपेस दुपे को लीजिए, एदम नेमे को लीजिए, बाबेल को लीजिए, ये तीनों बहुत अच्छे। ये अगर कन्फर्म बताता हूँ, अगर नहीं खेले तो ड्रीम इलेवन ही टीम मत बनाओ, क्योंकि टॉप परफॉर्मेंस प्लेयर है। अगर टॉप परफॉर्मेंस प्लेयर ही नहीं खेलते तो ये प्लेयर लेकर आप करोगे बेकार। तो स्ट्रोटमन को लीजिए, स्ट्रोटमन पर रिस्क है भाई, कोई रिस्क लेना चाहता है तो ले। अगर सेफ जाना चाहता है तो मैं बताता हूँ, दुबा को ले सकते हो, सेफ है। डोन वेन बिग को यानी कि डिफेंडर को हमको लेना पड़ेगा, एक तो डिफेंडर बनता है भाई। व्रिजिल वेन दिक बहुत अच्छे डिफेंडर में, लेकिन एक रिस्क है भाई, अगर ये नहीं खेला तो फिर भी मुझे तुम यही बोलोगे तो सेफ ड्रीम इलेवन टीम बना ही देता हूँ। डायले ब्लेंड को लीजिए, मैक्सिमम सेवन प्लेयर है, डी लीजिए तो को लीजिए सेफ है। तो हमें 16 विका के प्लेयर लेगा। अब कोई बोलेगा कि तू नीदरलैंड की क्यों ज़्यादा ले, अरे भाई तू 6 भी टीम बनाते तो 4 या 5 टीम में नीदरलैंड के लिए ज़्यादा और टॉप परफॉर्मेंस 16 के लिए, क्योंकि भाई हुबाकोन को लीजिए सेफ है। ये सेफ ड्रीम इलेवन टीम है, इसमें से सिर्फ एक प्लेयर नहीं खेलेगा या फिर वो भी सभी ड्रीम मिले, क्योंकि मैंने भाई नेट से अभी कन्फर्म इलेवन टीम लीजिए। गूगल पे जाकर सिर्फ सर्च करना है भाई, 2 आवर्स रिजल्ट आता है, वो कन्फर्म होती है, सिर्फ इतना करना था, लेकिन फिर भी वो नहीं हो रहा है, जाने दीजिए। या देखिए कि आपको किसको ज़्यादा पॉइंट है, तो यहाँ आप जा सकते आर बाबेल को और मेफिल दीपे को। अब मैं ध्यान से बताता हूँ भाई, मेरे लिए तो सिर्फ ये करो भाई, मैं आपके लिए तो ये सब कर रहा हूँ भाई कि टॉप परफॉर्मेंस टीम ये कर रहा हूँ। ये देखिए मैं उनके लिए टीम बना कर रहा हूँ कि भाई टॉप रैंक के लिए, उनके लिए कि उनके नहीं ले रहा हूँ कि जो बकवास लगती है मेरे, वो मत देखो भाई। चैनल को भी अनसब्सक्राइब करो क्योंकि आपके काम के नहीं, बहुत यूट्यूबर पड़ी मुझसे भी टॉप रैंकिंग वाली, वो सिर्फ ड्रीम इलेवन टीम बना के देगी, जीतने वाली टीम नहीं, या फिर कोई बता भी गया भी नहीं। मैं हर प्लेयर को बताता हूँ भाई क्या कौन सा अच्छा है, कौन सा क्यों ले रहा हूँ इसको, क्यों रिस्क ले रहा हूँ ये प्लेयर से। जाने दीजिए आर राबेल, एम दुपे चेंज कर सकते हैं, कप्तान वाइस कप्तान, एम दुपे कप्तान के भी लायक है
वाइस कैप्टन राबेल को। हर टीम में इन दोनों को तो लेना है, पहले कन्फर्म कीजिए। ये तो कन्फर्म है, 11 स्क्वाड में भी है, 14 स्क्वाड में भी, यानी कि ये खेलने वाले। ये नेम को कीजिए जी वेजनेक और एम हेमसिक को, इन्हें भी कप्तान वाइस कप्तान खेलना है। मान लीजिए कि गोल हुआ ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी वही होती है जो मिडफील्डर ज़्यादा पॉइंट कमाता है। मैंने हमेशा बोला है ज़्यादा पॉइंट कौन कमाता है, मिडफील्डर और फॉरवर्ड वाली, सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड की होती है, इसलिए कप्तान वाइस कप्तान क्या दर वो होती है। अगर 6 टीम बनाते तो ऑब्वियसली एक दो ही क्यों लेते हो, प्लेयर एक दो चेंजेस करके कभी क्या करो, कप्तान वाइस कप्तान भी करो। कितने कप्तान वाइस कप्तान के ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है। एम हेमसिक, जी वेजना जो है, एन नेमिक, बाबेल, एम दीपे और स्ट्रोटमन, जो रिस्की प्लेयर है अभी बता रहा हूँ इस ड्रीम 11 टीम में, या टिक कर सकते। स्ट्रोटमन नाम याद रखिए, वरना फिर मुझे आएगा कि तेरा एक प्लेयर नहीं खेला, दो नहीं, एक कन्फर्म है। लेकिन स्ट्रोटमन अच्छा प्लेयर है, लिया है, लेकिन रिस्की 11 स्क्वाड में है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी, कन्फर्म 11 टीम है भाई, आप तो ये सीट कमेंट मत डालो, आपके लिए तो बने इस, जितने वाले ने आप कन्फर्म चाहिए थे ना, ये लीजिए कन्फर्म 11 टीम। वीडियो अच्छी लगी, जिसे कन्फर्म चाहिए उसे देता हूँ। अगर भाई आपको वाकई में बहुत अच्छी चाहिए ना, मैं क्रिकेट भी बहुत अच्छी देता हूँ, मैं अभी भी बनाकर दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे टॉप रैंकिंग बैट्समैन होते हैं। लेकिन फुटबॉल में मैं इतनी देर लगाता हूँ क्योंकि भाई सर्च करना पड़ता है हिस्ट्री, वो प्लेयर खेलने वाला नहीं, वो जो खेलता है वो उस लायक है या नहीं, सिर्फ आप वो खेल रहा है वो देखते हैं, मैं वो कितना टॉप परफॉर्मेंस करेगा वो देखता हूँ। हर किसी का अंदाज नज़रिया भी अलग अलग होता है, जाने दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू।